और यहाँ पर ये देखिए वज्रपात के कारण कितना बड़ा गड्ढा हो रहा, यहीं पे वज्रपात हुआ है बांसवाड़ा पे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज अभी हम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अभी आ रहे हैं रुद्रप्रयाग और आप गाड़ियों का शोर शराबा तो देख ही रहे होंगे। यहाँ आ रखे थे हम होम गार्ड ऑफिस फॉर्म जमा करने। मैंने सोचा एक बार अपना लक आजमाती हूँ, अब देखते हैं हो सक्सेस होती हूँ या नहीं। अब तो भर्ती के बाद ही पता चलेगा, फॉर्म तो जमा हो गए फिलहाल, है ना। और अभी जा रहे हैं हम होटल में खाना खाने, क्योंकि भूख भी लग गई। सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक चाय पी थी, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है रुद्रप्रयाग, इसीलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा घर से और नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर ये देखिए वज्रपात के कारण कितना बड़ा गड्ढा हो रहा, यहीं पे वज्रपात हुआ है बांसवाड़ा पे। बांसवाड़ा ही है ना, ये देखो बिल्कुल जो पुल जाता है बीरों के लिए उसके सामने वज्रपात। बाप रे, ऐसी में जा रही लोग इधर उधर। और ये नदी देखो, और वज्रपात जहाँ पे वज्रपात होता है तो ऐसा गड्ढा होता है। ये देखिए बिल्कुल गोल शेप में, गोलाकार में, ये देखिए। और फ्रेंड्स, तो हम जा रखे थे रुद्रप्रयाग और वहाँ फॉर्म जमा कर दिया, और अब आगे देखते हैं। अब भर्ती होगी तो भर्ती में जाएंगे, उस टाइम का वीडियो भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो रास्ते की हालत भी मैंने दिखा दी थी कि बांसवाड़ा में कैसे वज्रपात हुआ और वहाँ पे वज्रपात के कारण कैसा गहरा गड्ढा हो रखा था। तो बहुत दिक्कत हो रही थी लोगों को आने जाने में, क्योंकि बिल्कुल जो जिस मार्ग से इधर उधर जाते हैं उसी पे गहरा गड्ढा हो रखा था। तो चलते हैं, आपको मैं आज अपने खेतों की, जहाँ पर मैंने सब्जी बो रखी, और ये है मेरा खेत जहाँ पर मैंने ककड़ियाँ बो रखी हैं। ये देखिए आपको सामने से दिखाती हूँ, ये मेरी ककड़ी लगी हुई है, ये देखिए, ये तो ये ककड़ी लगी हुई है मेरी। और यहाँ पे भी एक ककड़ी लगी थी, बंधन में खा ली वो, देखिए सिर्फ ककड़ी का डंठल ही बचा है। ये देखो यहाँ से तोड़ दिया बंधन ने, ये देखो। तो ये मेरी ककड़ी की बेल है, तो गढ़वाली में हम उसको बोते हैं काकड़ू झील, बेल के लिए हम झील बोते हैं गढ़वाली में, ये देखिए। और यहाँ पर है मुंगरी, मेरा मुंगरी का खेत है यहाँ पे, ये देखिए मुंगरी लग रखी है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही, ये देखो। ये है मुंगरी का खेत। और ये है ककड़ी का, ककड़ी की बेल, तो गढ़वाली में बोले तो काकड़ू झील, ये देखिए। और ये छोटी ककड़ी है जिसको हम गढ़वाली में रारी बोलते हैं, ये देखिए काकड़ी की रारी, जो छोटी ककड़ी होती है उसको रारी बोलते हैं। और ये है बड़ी ककड़ी यहाँ पे, और ये है हमारा पूरा ककड़ी का झील, ये देखिए। तो इस साल ककड़ी लगभग सही हो रही मेरी, बहुत ज़्यादा लगी है छोटी छोटी ककड़ी, अगर बंदर रखेंगे, वरना बंदर तो खा लेते हैं ककड़ी। और ये हो गया मुंगरी, मक्की बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, तो गढ़वाली में हम मुंगरी बोलते हैं। तो ये देखिए
लेकिन बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है हमारे पहाड़ों में। तो जो हम बोते हैं ककड़ी वगैरह, तो इतनी छोटी होती है ककड़ी, वो तो बंदर निकाल लेते हैं तोड़ के। तो वहाँ पे भी एक ककड़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, जब तक मैंने सोचा कि यहाँ की ककड़ी निकाल लेती हूँ, तब तक बंदर ने निकाल ली और खा ली। ये देखो वहाँ पर, और ये मुंगरी, मुंगरी भी आ रहे बंदर तोड़ के ले जा रहे अभी, जबकि उन पे कुछ खाने के लिए नहीं है, सिर्फ ये मुंगरी, मुंगरी पे जो ये बाल आते हैं वही हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं है। फिर भी बंदर आ रहे हैं और तोड़ के ले जा रहे, बर्बाद कर रहे हैं खाली। ये देखिए, और अब घर के काम के साथ साथ मुझे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने फॉर्म डाल रखा है होमगार्ड की भर्ती का। तो एक महीने का टाइम है मेरे पास प्रैक्टिस करने का, और प्रैक्टिस मेरा लड़का करवाएगा मेरे से, है ना। आ जा अंश, इधर आ जा। तो ये मेरा अंश है। हाय गाइस, ये मेरी मम्मी है, ये बन रहे हैं होमगार्ड या पुलिस। और ये मेरा बेटा है अंश, तो ये मेरे से ज़्यादा ही प्रैक्टिस करवा रहा है कि मम्मी ये कर, हाई जंप ऐसे मारते हैं, लॉन्ग जंप ऐसे मारते हैं, दौड़ की प्रैक्टिस भी यही करवा रहा है मेरे से, है ना। बोले कुछ शर्मा रहा है, बोले कुछ करवा रहा ना। तुझे कैसे पता चला? रैली होती है ना जब स्कूल में, तो इसको सब पता है कि कैसे करते हैं, है ना। लेकिन ये भूल गया, इसकी मम्मी भी कम नहीं थी स्कूल टाइम पे, मैं भी, अब तो थोड़ा वेट भी बढ़ गया, लेकिन उस टाइम पे दौड़ हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप और खेल कूद हो गया, कबड्डी खो खो मैंने बहुत खेला है, तो अभी भी बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इन खेलों का। तो देखते हैं आगे क्या होता है।